आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग भौतिकी का जो लेक्चर है तरल के बारे में जो हम लोग का अध्ययन चल रहा है। तो उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो है तुमको जो बर्नौली का प्रिंसिपल है उसका अनुप्रयोग इन सब के बारे में पढ़ा। आज पहले पढ़ लेते हैं कुछ उत्प्लावन बल जो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया जो नाइन्थ क्लास में तुम पढ़ा भी होगा उसको एक बार थोड़ा बता दे रहे हैं और उसके आधार पर फिर उस श्यामता पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर में और जो कुछ उदाहरण वगैरह हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो पहले उत्प्लावन बल देखते हैं जो कि आर्किमिडीज का दिया गया एक सिद्धांत है जिसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाया जाता है तो जैसे कि तुमको कोई तरल है जैसे समझ लें इसको, तो जैसे कि एक तरल है यहाँ पर मान लेते हैं, कोई पानी भी हो सकता है, ये द्रव या गैस जो भी है, तो ये जो तरल है इसमें जो कण होते हैं ये इसमें सारे जो कि तुमको होता है जैसा कि दाब के बारे में पढ़ा कि नीचे का दाब ज्यादा होता है, तो नीचे जैसे इसमें जो पानी के जो कण होंगे ये सब इसको प्रेशर एक दाब इस पर आंतरित करते हैं। यहाँ पर जो कोई भी वस्तु है तो इस पर कराएगा ऊपर से दाब नीचे दाब, लेकिन ऐसा पढ़ा होगा जैसे जैसे गहराई में जाता है दाब बढ़ता है, इधर का जो बल है ज्यादा होगा और ऊपर का बल क्या होगा कम होगा, गहराई के आधार पर दाब में क्या होता है परिवर्तन। तो ये जो तुम्हारा बल ये इसके वजन के कारण होता है, तो ये जो तुम्हारा बल जो लगेगा जो तो ऊपर का बल जो ये दाब अधिक होगा नीचे से, अगर ऊपर की तरफ अधिक दाब लगेगा और ऊपर से कम लगेगा तो दाब में जो परिवर्तन हुआ तो ऊपर की तरफ एक बल कार्य कर गया था, यह बल हम लोग क्या कहलाएगा उत्प्लावन बल। जो तरल में अगर कोई वस्तु डूबता है तो दाब में जो कि अंतर होता है उसके कारण उसके ऊपर एक बल कार्य करने लगता है ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग कहेंगे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो तरल के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल का जो मान होता है उत्प्लावन बल का मान विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है मतलब विस्थापित जो इतना तरल होगा उसी के भार के बराबर होगा। यदि मान लेते हैं कोई वस्तु अगर डूब रहा है, किसी वस्तु को अगर डुबाए हैं तो उसका जो उतना आयतन होगा उतना ही तरल क्या होगा वहां विस्थापित होगा। तो यदि वस्तु विस्थापित तरल का द्रव्यमान का आयतन अगर भी हो, रिएक्शन करके लिख सकते हैं इसको, विस्थापित तरल का घनत्व रो है तो उत्प्लावन बल बराबर भी रो जी, ये हो गया द्रव्यमान हो गया आयतन गुना घनत्व हो गया द्रव्यमान गुना जी, उत्प्लावन बल का ये सूत्र हो गया भी रो जी, जहां पे भी क्या गया तुमको विस्थापित तरल का आयतन और रो हो गया उसका घनत्व और जी हो गया तुमको जिसका मान होता है। तो ये उत्प्लावन बल का सूत्र हो गया भी।
जहां भी बराबर हो गया विस्थापित तरल का आयतन, विस्थापित तरल का आयतन, रो बराबर विस्थापित तरल का, विस्थापित तरल का घनत्व, विस्थापित तरल का घनत्व, और जी का वैल्यू तो खैर हो ही गया। तो ये तुमको हो गया इसका वैल्यू। तो अभी जो है तुमको विस्थापित तरल का द्रव्यमान हो गया आयतन, विस्थापित तरल का आयतन हो गया भी, और घनत्व हो गया रो, और गुना जी हो गया। तो अब है तुमको ये तुमको जैसे इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं इस पर। तो ये तुमको आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, ये नियम है उत्प्लावन बल का, तो जो कि तुमको दाब के नीचे का दाब अधिक होता है, ऊपर का दाब कम होगा। तो जितना कि तुमको दाब में जो अंतर होता है, बल लगता था, किसके बराबर होता है, विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यही बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, जिसे हम लोग उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि तुमको बर्फ है, बर्फ जब तुमको देखोगे पानी, बर्फ का घनत्व होता है 900 केजी प्रति मीटर की, और पानी का घनत्व होता है 1000 केजी प्रति मीटर की। तो पानी जो होता है तुमको ज्यादा, पानी का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व उससे कम है। जब घनत्व कम होगा, अब कोई चीज, कोई वस्तु जैसे डूबेगा या तैरेगा, ये सब किस पर निर्भर करता है, उसके घनत्व पर निर्भर करेगा। जिस चीज का घनत्व, अगर तुमको पानी के घनत्व से पानी में अगर डालेंगे, अगर पानी के घनत्व से ज्यादा घनत्व का चीज है तो पानी में डूब जाएगा, क्योंकि उस पर उत्प्लावन बल तो उसके भार से कम लगेगा। और अगर पानी का घनत्व ज्यादा है तो वस्तु क्या होगा, कुछ उसमें डूब करके कुछ पार्ट उसका तैरेगा। जैसे बर्फ का घनत्व अगर कम है तो बर्फ पूरा डूबेगा नहीं, बल्कि कुछ पार्ट उसका पानी के बाहर रहेगा और उसमें तैरेगा। तो अगर ये चीज कहा जाए कि कितना भाग जो है उसका बर्फ का पानी के ऊपर रहता है, कुछ भाग उसका ऊपर रहेगा, कुछ भाग पानी के अंदर रहेगा, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो। तो उसमें क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं, बर्फ के का, बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है तो उसका कितना भाग, कितना भाग पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है, कुछ भाग ऊपर रहेगा, कुछ भाग पानी के अंदर रहेगा, कितना भाग पानी के अंदर रहता है। यदि बर्फ का घनत्व 900 केजी प्रति मीटर क्यूब, 900 केजी प्रति मीटर क्यूब, एवं पानी का घनत्व याद ही होगा, एवं पानी का घनत्व 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब है, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब है, तो इसका तुमको, जैसे कि तुमको यहां पानी है, तुमको एक बर्फ का टुकड़ा इसमें डाल दिए, पानी है इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल देंगे, तो बर्फ का घनत्व 900 है, पानी का घनत्व 1000 है। तो बर्फ जो है तुमको इस पर कुछ अगर भारी से पत्थर का टुकड़ा देते हैं तो उसका घनत्व पत्थर का ज्यादा होता है, तो नीचे टूट जाएगा। ये कितना, कुछ भाग इसका पानी के ऊपर रहेगा, कुछ भाग पानी के अंदर रहेगा इसका। तो ये जो बर्फ का टुकड़ा का कितना भाग पानी के अंदर रहेगा, तो देखो जैसे कि इसका तुमको अगर द्रव्यमान होगा, पानी का वजन तो इसका पूरा रहेगा जो नीचे की ओर, ये बर्फ का वजन, बर्फ का भार हो गया नीचे की ओर, बर्फ का भार, और ऊपर की ओर क्या रहेगा, उत्प्लावन बल रहेगा, ये जो पानी लगाएगा इसमें ऊपर की ओर क्या लगेगा, उत्प्लावन बल, जैसा अभी बता रहे थे उत्प्लावन बल लगेगा। अब दोनों जब तक बराबर हो जाएगा तभी, जैसे अगर उत्प्लावन बल ज्यादा तो धीरे धीरे ऊपर ठेलेगा, पूरा डूबने नहीं देगा, जब डूबेगा तो ये मतलब क्या कर रहे हैं, ज्यादा होगा तो ये नीचे कर, इसका कुछ भाग डूबेगा, कुछ भाग तब पानी के बाहर रहेगा। लेकिन अगर भार ज्यादा हो गया वस्तु का उत्प्लावन बल से, तो ये तो नीचे डूबते चला जाएगा, और ये घनत्व पर निर्भर करेगा। अगर जो वस्तु इसका घनत्व ज्यादा है, इसका 900 है, तब कम है उसका, तो जैसे कि यहां पर देख लेते हैं, तो बर्फ का आयतन अगर तुमको रहे, अगर क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल ए मान लेते,
तो इसका प्री क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, या ए लिए थे एल मान लो। यदि बर्फ का आयतन भी है तथा पानी के अंदर का आयतन, पानी के अंदर का आयतन भी वन है, तो बर्फ का भार बराबर उत्प्लावन बल होगा, उत्प्लावन बल। तो जब बर्फ का भार होगा जितना भी इसका आयतन हुआ गुना घनत्व हो गया 900 और गुना जी बराबर भी वन गुना 1000 उत्प्लावन बल में भी वन रो जी, तो जी जी कट गया थोड़ा, तो कितना भाग बाहर रहेगा कितना भाग अंदर रहेगा, तो भी वन तुमको है भी वन हो गया जो कि अंदर है, तो भी वन बाय भी कर देते हैं कि जो अंदर रहेगा, तो भी वन बाय भी बराबर 900 बटे 1000, भी वन बटे भी बराबर 9/10, तो 9/10 भाग पानी के अंदर रहेगा, 9/10 भाग पानी के अंदर रहेगा, यही उत्तर हो गया। और कुल आयतन है तुम्हारा जितना उसका 10 भाग में से एक भाग तुमको पानी के बाहर रहेगा, 9 भाग पानी के अंदर रहेगा, और इस प्रकार से कुछ डूब करके उसमें तैरते हुए जाएगा। तो नाव वगैरह नाव जैसे क्या था, नाव का शेप ऐसा बनाते हैं उसका जो विस्थापित तरल जितना भार होगा वह उसके भार से क्या कम, इसलिए क्या करते हैं उसको उस शेप का बनाते हैं जैसे कि वो तैरते रहेगा। जैसे लोहा का भी, जैसे कहेगा लोहा का जहाज है, लोहा का जहाज है लेकिन उसको इस ऐसा शेप बना देते हैं तो उससे जो विस्थापित तरल का द्रव्यमान होगा जो उत्प्लावन बल उससे ज्यादा ज्यादा मिले, इस प्रकार वह तैरता है। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें जो भी तुमको और भी क्वेश्चन वगैरह बनाओगे किसी बुक से तो उनको जहाँ दिक्कत हो राइट ऐप के माध्यम से कभी भी संपर्क करके हमसे पूछ सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें उत्प्लावन बल, ये क्लास 9 में लिखा तुम्हारा, इसकी चर्चा हमने कर दिया। अब है तुमको एक टॉपिक है जिसका नाम है श्यामता। श्यामता क्या होता है, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण की वह तुमको तरल के विभिन्न परत के बीच में जो गति होगा उसका विरोध है। तरल का जैसे विभिन्न परत है, तरल जैसे कि है ऊपर का परत परत है, नीचे उसके है उसके नीचे, इस तरह से बहुत सा परत जैसे नदी है, नदी में नाव चल रहा है तो उसके बहुत से परत है ऊपर से नीचे तक। जो तो ऊपर जब नाव चलता है तो ऊपर का पानी क्या होता है बाहर आगे जाने लगता है लेकिन नीचे का पानी स्थिर रहता है, तो इन दोनों के गति में अंतर हो गया। तो तरल के अगर विभिन्न तरल के विभिन्न परत के बीच में अगर गति में अंतर होता है तो तरल का जो विभिन्न जो नीचे का परत है वह ऊपर के परत के गति का क्या करेगा विरोध करता है। जो यह जो तरल का गुण होता है जिसको लोग श्यामता कहते हैं, जैसे ये घर्षण टाइप का चीज हुआ तरल के अंदर जिसको लोग विस्कोसिटी भी नाम इंग्लिश में कहते हैं, तो श्यामता तुमको तरल का वह जिसके कारण की वह तुमको तरल के विभिन्न परतों के बीच में विभिन्न परत तो ऊपर का परत फिर नीचे का, तरल के बीच में अगर अपेक्षित गति होगा तो उसका वह विरोध करेगा। इस तरल का यह गुण क्या कहलाता है श्यामता कहलाता है। तो श्यामता क्या होगा तुमको श्यामता विस्को सिटी तरल का वह गुण जिसके कारण तरल विभिन्न परतों जिसके कारण तरल विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है, विभिन्न परतों के बीच की आपेक्षिक गति का विरोध करती है श्यामता कहलाती है। श्यामता कहलाती है
तो श्यानता क्या हुआ, तरल का वह गुण जिसके कारण कि वह विभिन्न परतों के बीच में जो अपेक्षित गति है उसका विरोध करती है वह क्या कहलाएगा, वह गुण श्यानता कहलाती है। श्यान बल तरल के पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता के समानुपाती होती है। मतलब तरल का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो श्यान बल एफ समानुपाती हो गया ए, ये हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसके साथ साथ ये समानुपाती होता है तुमको डीवी बाई डीएक्स कहते हैं, वेग प्रवणता, वेग बल के तरल की गहराई, वेग प्रवणता हो गया, इसको कहेंगे वेग प्रवणता, ये हो गया वेग प्रवणता, वेग प्रवणता वेग में परिवर्तन, डीवी हो गया वेग में परिवर्तन बल्कि डीएक्स हो गया तरल की गहराई। जैसे एक चित्र के द्वारा अगर इसको समझाएं वेग प्रवणता को, तो जैसे कि यहां पर एक तरल है तुमको अगर गति कर रहा है तो तरल का एक परत अगर तुमको मान लेते हैं ये तुमको dv, इसका वेग हो गया v plus dv और यहां पर हो गया तुमको इसका वेग v हो गया, तो दोनों के बीच में तुमको है ये dx हो गया, तो दोनों के बीच में जो कि गहराई में अंतर हो गया dx, तो dv by dx, तो या माइनस dv by dx करते हैं तो गहराई के साथ ही क्या हो जाता है कम होता है, तो ये तुमको माइनस भी इसको लिख सकते हैं, मतलब माइनस उस बाद में लगा सकते हैं, तो इसको धनात्मक करेंगे क्या लिखेंगे, तो एफ समानुपाती माइनस ए और डीवी बाय डीएक्स, डीएक्स हो गया गहराई में और तो समानुपाती हटेगा तो नियतांक आएगा, तो एफ बराबर एटा ए, एन को थोड़ा सा एन नहीं बल्कि देखो इसको एटा पढ़ते हैं, एटा ए डीवी बाय डीएक्स, तो एन को कहते हैं लोग एटा, जो एन तुम्हारा है एन इज इक्वल टू द्रव का श्यानता गुणा, श्यानता गुणा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंग्लिश में कहेंगे इसको, श्यानता गुणा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये होगा तुमको श्यानता गुणा का मान होगा। तो जैसे जैसे तुमको आयतन क्षेत्र क्या होता है तुमको ताप बढ़ता है तो इसका जो तुमको होता है इसका गति जो होता है तुमको ताप के बढ़ने पर इसका क्षमता का गुणांक का मान घटता है, और अगर वाई नहीं तो ये क्या रहेगा तो ये तुमको नियत रहे, मतलब एक मतलब ये तरल है तो नियत रहेगा, ताप बढ़ने पर क्षमता गुणा घटता है और नहीं तो नियत रहेगा, ताप बढ़ने पर लिख करके नोट करके लिख सकते हो ताप बढ़ने पर क्षमता गुणा घटता है, इसको नोट करके लिख सकते हो क्षमता गुणांक घटता है, तो ये तुमको क्षमता गुणांक का मान घटेगा, एफ बराबर क्या है एटा ए डीवी बाय डीएक्स, तो जितना वेग में अंतर हुआ बटे गहराई, डीवी हो गया तुमको वेग में अंतर, डीवी का मान अगर तुमको लिखना चाहेंगे एफ बराबर फॉर्मूला हो गया एफ इज इक्वल टू एटा ए डीवी बाय डीएक्स, वेग में अंतर बटे गहराई, तो वेग में अंतर जितना होगा दोनों का बीच में आप बल्कि गहराई से भाग कर देंगे, दोनों परत के बीच का गहराई जितना दोनों का डिफरेंस है और दोनों के वेग में जितना अंतर है दोनों को डिवाइड करेंगे तो वेग प्रवणता निकलता है, वेग में कितना वेग ऊंचाई के साथ वेग किस प्रकार से बदल रही है और क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, तो ये तुमको श्यान बल था। जहां तक इसका विमा का बात है इसका विमा निकाल लेते हैं और मात्रक भी लिख देते हैं एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक हम लोग जो जानते हैं कि श्यानता गुणांक जो है तुमको अभी फॉर्मूला जो हम लिखे उसको अगर फिर से लिखे उसके आधार पर हम लोग बीमा निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला था हमारा एफ इज इक्वल टू माइनस एटा ए डीवी बाय डीएक्स, तो एफ का बीमा पता है ए का भी पता है, डीवी का मतलब वेग में परिवर्तन, यह है वेग में परिवर्तन और यह है
ऊंचाई में परिवर्तन, ऊंचाई dx गहरा। तो अब इसका हमको फॉर्मूला निकालना, इसका बीमा निकालना है। तो एटा इज बिल्कुल क्या होगा तुम्हारा, माइनस एफ बटे ए डीवी बाई डीएक्स। अब देखो एफ का बीमा, इसका बीमा निकालना, इसके सिंबल देते हैं लोग, ब्रैकेट में देख देते हैं। एफ का बीमा तो याद होगा एमएलटी माइनस द्रव्यमान गुणा त्वरण एमएलटी माइनस टू बटे क्षेत्रफल का क्या होगा बीमा तुम्हारा, एल का स्क्वायर इंटू डीवी बाई डीएक्स। डीवी का हो गया बेग का होता है एल टी माइनस वन और बाय एल हो गया, एल एल कट गया तुम्हारा और एल स्क्वायर इसको जो हल करके लाएंगे तो ये हो गया बे, इसका बीमा निकल गया एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्योंकि एक एल तो कट गया तो एल पर पावर तुम्हारा ऊपर भी ऊपर एक एल था एम एल टी माइनस टू में, यहां पर एल हो गया तुमको एक एल तुम्हारा क्या हुआ एल टी माइनस वन, तो यहाँ पे एक एल कैंसिल हुआ तो एक एल बच गया तुम्हारा, मतलब एल स्क्वायर था तो एक घट के ऊपर चला गया और ये तो एल एल कैंसिल हो गया टी पर माइनस टू। ठीक है, यही आ गया तुम्हारा कैलकुलेशन करके। और एस आई मात्रक कहाँ तक देखिए कैलकुलेशन उसका कर सकते हो आराम से, इसका एस आई मात्रक प्रिज्म क्षमता गुणांक का एस आई मात्रक, गुणांक का एस आई मात्रक क्या होगा तुमको के जी मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस वन या पॉइस, या पॉइस पी ओ आई एस ई भी इसको कहते हैं पॉइस, ये तुमको इसका एस आई मात्रक हो गया। तो पॉइस के नाम से इसको जानते हैं इस मात्रक को। अब इस पर आधारित इसका जो तुमको है क्षमता गुणांक या इस फॉर्मूला पर आधारित एक प्रश्न दिया हुआ है तुम्हारे बुक में जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें दिया हुआ है तुमको एक टेबल है, टेबल पर एक तुमको प्लेट रखा हुआ है और प्लेट के बीच में, टेबल और प्लेट के बीच में कोई तरल दिया हुआ है, जो एक पतला सा मतलब तरल दिया हुआ है जिस पर कि जो प्लेट है वो फिसल रहा है। तो उसमें कितना दिया हुआ है द्रव्यमान दिया हुआ है 0.01 केजी है द्रव्यमान दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ 0.1 स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। उदाहरण है तुम्हारे बुक का जो तरल के यांत्रिक गुण अध्याय है उसका उदाहरण नंबर 9 एनसीईआरटी बुक से लेते हैं, एनसीईआरटी उदाहरण 9 है। तो इसमें जो तुमको है इसमें दिया हुआ है इसे चित्र इसका एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना लें तो तुमको समझिए थोड़ा सा मदद। ये अगर टेबल हो गया, टेबल के एक छोर पर घिरनी लगा दो और एक प्लेट यहाँ पर एक पतला सा पानी फिल्म बन गया पानी का और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तुमको जो एक प्लेट है, प्लेट से ये पतला यहाँ पर जो है पानी का एक फिल्म बना हुआ जो भी जिस भी ढंग से इसको रखा गया होगा, एक जैसे बड़ा सा बर्तन में रख सकते हैं इसको जैसे भी होगा, ये पानी का एक तरल का फिल्म हो गया, तरल का फिल्म। और ये प्लेट को एक रस्सी से बांध, और रस्सी से बांध करके ये पुली से क्या कर देंगे, यहां पर एक रस्सी बांधे और इसको लटका दिया एक द्रव्यमान से, यहां द्रव्यमान कितना के जी है, ये 0.010 kg। तो ये इतना mg लग जाएगा, जी से गुणा कर देंगे इतना भार, तो रस्सी का तनाव जितना ही क्रिएट होगा जितना भार रहेगा उतना ही क्या चीज रस्सी में क्या उत्पन्न करेगा, ये तनाव उत्पन्न करेगा। इसके कारण से ये प्लेट जो है कहता है क्वेश्चन में एक समान गति जो है तुमको एक समान वेग से ये चलने लगता है। तो इसका वेग दिया हुआ है तुम्हारा कितना वेग से चलने लगता है, एक समान वेग से यह चलने लगता है। इसका पृष्ठफल दिया हुआ है, पृष्ठफल दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर है और तुमको कह रहा है ये कि ये तुमको किस वेग से चलने लगेगा और इसका फिल्म का मोटाई क्या होगा, कितना कितना एमएम है? 0.30 मिलीमीटर ये फिल्म की। तो देखो जैसे कि यहाँ पर जो बल लग रहा है इस वस्तु पर, देखें इस प्लेट पर क्या क्या बल लग रहा होगा। एक तो रस्सी का तनाव लगेगा, जो प्लेट है प्लेट पर, प्लेट का अगर देखें तो प्लेट पर इधर रस्सी का तनाव होगा, रस्सी का तनाव लगेगा और इधर की तरफ जो है वो जो तरल होगा ये इसमें क्या लगेगा, एक्सियम बल लगेगा, एफ, ये एक्सियम बल। और ये कॉन्स्टेंट वेग से चल रहा है, अगर ये कौन तो इसका मतलब नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। और टी किसके बराबर होगा, टी बराबर होगा एम जी, मतलब 0.010 जी के बराबर, तो टी के बराबर। तो इसका मतलब दोनों बल तो बराबर होगा तभी यह नियत वेग से चल रहा है, नियत वेग से चलने का मतलब नेट बल शून्य हो गया, कुल बल शून्य हो गया, तभी यह नियत वेग से क्या होगा चल सकता है, मतलब चल रहा है लेकिन वेग नहीं है, मतलब त्वरण नहीं है, त्वरण नहीं है तो दोनों बल क्या रहेगा, समान रहेगा। तो श्यान बल जो होगा तुम्हारा, श्यान बल का मान जो तुम्हारा हो गया 0.010 जी हो गया। और श्यान बल का फॉर्मूला होता है हमको एटा ए और डीवी बाय डीएक्स। तो इसमें तुमको वेग कितना आ गया, नियत वेग भी दिया होगा, क्वेश्चन है क्या निकालना, क्या क्वेश्चन है श्यानता गुणांक का मान क्या आंसर क्या दिया हुआ है, 0.10 मीटर स्क्वायर ठीक है। और वेग कितना मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, देखो वहां लिखा होगा किताब में, डाटा और होगा, कितना वेग मीटर प्रति सेकंड वेग है 0.085 मीटर प्रति सेकंड। अब बटे गहराई था ये तुमको 0.3 मिलीमीटर ना, 30 × मिलीमीटर को मीटर बदले 10^-3 हो गया, इतना हो गया बराबर 0.010 जी। अब कैलकुलेशन करना है तुमको, आंसर आ जाएगा एटा बराबर कितना, आंसर बड़ा बोल दो 3.46 × 10^3 ठीक है, तुम्हारा क्वाइज भी लिख सकते हैं, PUISC क्वाइज या पास्कल सेकंड। तो ये तुम्हारा हो गया पास्कल सेकंड, इसका मात्रक हो सकता है पास्कल के साथ लिखेंगे जोड़ के। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका क्या किए समझ पा रहा हूँ कि जो श्यान बल है ये किसके एमजी के बराबर होगा, श्यान बल का मान एटा ए। और जैसे ऊपर का देखो ये जो परत चल, प्लेट चल रहा है, प्लेट का परत हो गया तुमको ऊपर का प्लेट का वेग हो गया, पानी का जो परत बना हुआ है यहाँ पर जो तरल, तो जितना वेग से प्लेट चलेगा वो ऊपर का हो गया, इसका गहराई कितना हो गया इसका, ये तुम्हारा नीचे दिया हुआ 0.3 मिलीमीटर। तो 0.3 मिलीमीटर क्या बदल दिए मीटर में, इंटू 10^3 कर दिए। और वेग तुम्हें ऊपर का वेग बटे नीचे का तरल का वेग तो शून्य होगा, जो प्लेट के संपर्क में रहेगा, दोनों को घटा दिए मतलब एक घंटे घटाओ 0 कर दिए, वेग जो दिया हुआ था तो इससे क्या आ गया तुमको, इसका मान आ गया। अब है तुमको इसके बाद हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहेंगे स्टॉक फॉर्मूला, स्टॉक सूत्र, स्टॉक नाम के स्टॉक साइंटिस्ट का नाम है जिसने कि तुमको एक जब कोई गोलाकार वस्तु अगर जब किसी तरल में गिरेगा तो उस पर कितना बल लगता है, जो जो तरल है उस पर कितना श्यान बल आरोपित करेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला उसे निकाला जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक सूत्र के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बीमा के मदद से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जो नियतांक होगा उसका मान हमको निकालना पड़ेगा फिर प्रैक्टिकल। तो इसका जैसे है तुमको तो स्टॉक सूत्र लिखते हैं, सुना स्टॉक सूत्र, स्टॉक सूत्र फॉर्मूला,
किसी गोलाकार वस्तु पर लगने वाला किसी गोलाकार वस्तु पर लगने वाला श्यान बल तरल के श्यानता गुणांक कॉमा वस्तु का वेग उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो बल श्यान बल एफ जो होगा तुमको श्यान बल एफ समानुपाती किसके किसके हो गया श्यानता गुणा उस पर कुछ पावर ले लो ए पावर मान लिए फिर तुमको वेग उस पर पावर बी और त्रिज्या आर पर पावर सी संकेत सब जाना पहचाना है ये अलग से नहीं लिखते हैं श्यानता गुणांक को हम लोग एटा मानते ही हैं वेग को हम लोग भी मानते हैं और आर को सी ए बी सी जैसा कि पहला अध्याय जो था बीमा उसमें तुमने ऐसा पढ़ा होगा उसको कोई अलग अलग पावर मान लेते हैं और इसके बाद समानुपाती को हटा करके यहाँ समानुपाती नियतांक आएगा कि एटा पर पावर ए बी पर पावर बी और आर पावर सी ऐसा लिख दिया है अब है तुमको इसमें जो तुमको है दो बीमा रखने पर दोनों का बीमा रखते हैं तो बल का बीमा जानते हैं क्या होता है एम एल टी माइनस टू इक्वल टू टी तो बीमा ही हो गया समानुपाती नियतांक का कोई बीमा नहीं होगा इसका बीमा है एम एल माइनस वन टी माइनस वन इस पर पावर ए और एल टी माइनस वन इस पर पावर हो गया बी और आर पर एल आर का मतलब हो गया एल हो गया बीमा उस पर पावर सी तो सब पावर को एक इधर कर लेते हैं तो एम एल टी माइनस टू है तो इसमें एम के पर पावर एम तो पहला में ही खाली एम पर पावर खाली क्या हो गया ए हो गया टी दो जगह है तुमको तो टी को टी ही पहले लिख लो तो टी पर पावर क्या जाएगा तुमको टी पर हो गया तुमको माइनस ए हो गया पहला में और फिर है एल टी माइनस वन तो माइनस बी हो गया उसमें दूसरा में और एल जो है तीनों में तीन को एल को बाद लिख देते हैं एल पर पावर पहला माइनस ए हो गया दूसरा में हो गया प्लस बी और तीसरा में प्लस सी हो गया चलिए तीनों पावर छूट गया तो इसको अपने अनुसार से कर लोगे अब बीमा को बराबर करते हैं इधर की तरफ जब बीमा ए है इधर की तरफ वन एम का पावर का बात कर रहे हैं एम का पावर इधर वन है इधर वन है तो ए इज इक्वल टू क्या वन हो गया ए इज इक्वल टू वन फिर टी का बीमा बराबर करते हैं टी का बीमा इधर क्या है टी का बीमा इधर है माइनस टू है और टी का बीमा वहां क्या दिख रहा है हमको टी पर है तुमको माइनस ए और माइनस बी है चलिए माइनस ए माइनस बी इधर माइनस टू है तो माइनस टू बराबर माइनस ए का वैल्यू डाल दी माइनस ए माइनस बी तो बी बराबर क्या हो गया तुमको वन हो गया बी बराबर भी वन और अब एल का बीमा बराबर करते हैं बी बराबर भी वन हो गया एल का बीमा इधर कितना है एम एल टी माइनस टू वन है एक पावर है नहीं कुछ पावर तो एक हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी तो वन बराबर माइनस वन प्लस सी तो सी बराबर वन हो गया सी बराबर ए तो एफ बराबर क्या हो गया तुमको के इसलिए एफ बराबर के एटा भी आर के एटा भी आर के हो गया तुमको सबका एक पावर हो गया अब जैसे कि इसमें प्रयोग से के बराबर सिक्स पावर होता है प्रयोग से हम लोग लिख सकते हैं प्रयोग से k बराबर 6 पावर तो श्यान बल जो निकलेगा तुमको श्यान बल का जो फॉर्मूला हो गया f बराबर 6 पाई एटा वी आर इसको हम लोग श्यान स्टॉक फॉर्मूला का यही हो गया स्टॉक का सूत्र क्या हो गया f इक्वल टू 6 पाई एटा वी आर याद कर लो इसको फॉर्मूला को f हो गया श्यान बल एटा हो गया तरल का श्यानता गुणांक भी हो गया तुमको तरल का वेग और हो गया तुम तरल की त्रिज्या तो इसको लिख सकते हैं एफ हो गया तुमको इस सूत्र में एफ हो गया क्या चीज तुम्हारा एफ हो गया श्यान बल ये हो गया श्यान बल का मान हो गया और ये तुमको हो गया एफ इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पर श्यान बल इस फॉर्मूला 6 पाई एटा हो गया 6 पाई का कांस्टेंट हो गया एटा हो गया तरल का श्यानता गुणांक
तरल का श्यानता गुणा वी बराबर तरल का वेग, वी बराबर तरल का वेग, आर बराबर वस्तु की गोलाकार वस्तु की त्रिज्या, वस्तु की त्रिज्या। तो इसमें तुमको इतना बल रहे बराबर 6π hr। तो एक हम लोग एक और जैसे गोलाकार वस्तु है जैसे तुमको पानी का बूंद गिर रहा है, वर्षा का बूंद, तो वह भी तुमको गोलाकार होता है और वह जब गिर रहा है तुमको हवा में गिरता, हवा भी एक तरल है। तो इस प्रकार से यह भी तुमको क्या हो गया, एक तरह से उसमें भी एक श्यान बल कार्य करेगा। जब वर्षा की बूंद गिरती है हवा में तो वर्षा का बूंद तुमको क्या हो गया, एक वह गोलाकार होता है और वह इसमें गिर रहा है एक द्रव में गिर रहा है, द्रव बदलता है तरल गैस है, हवा भी एक तरल के अंदर रहता है, तो वहां भी एक तुमको क्या लगेगा, स्टॉक बल लगता है। या कोई भी वस्तु गिरेगा किसी तरल में तो उसमें एक तुमको गोलाकार है तो उसको स्टॉक बल मतलब श्यानता के कारण एक बल लगेगा, जिसको स्टॉक सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर एक जो कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है जिसको लोग कहते हैं सीमांत वेग, उसको समझते हैं कि तो अगर स्टॉक बल जो होता है जब भी कभी भी क्या करता है, ये विरोध करता है गति का, क्या करेगा ये विरोध करेगा। गति का विरोध का मतलब हो गया कि जब कोई वस्तु इस तरल में चल रही है तो उसकी गति का ये विरोध करेगा, जिस तरह से घर्षण विरोध करता है उसी प्रकार से श्यान बल भी क्या करता है उसका विरोध कर सकता है, करता है। और जब गोलाकार वस्तु है तो उसके वेग के समानुपाती है बराबर 6π hr का बल लगेगा। तो इसको हम लोग इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है जिसका नाम है सीमांत वेग। इस चीज के बारे में चर्चा करें सीमांत टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी जब कोई वस्तु कोई गोलाकार वस्तु जब कोई गोलाकार वस्तु किसी तरल में गिरती है तो वस्तु के भार, वस्तु के भार कौन उत्प्लावन बल के अलावा उस पर श्यान बल भी कार्य करता है, उस पर श्यान बल कार्य करता है, उस पर श्यान बल कार्य करता है, उस पर श्यान बल कार्य करता है। वस्तु का भार तुमको लगेगा उस पर, वस्तु का भार लगेगा उस पर तुमको क्या लगेगा, दूसरा वस्तु का भार के अलावा उस पर तुमको क्या लग रहा है, उत्प्लावन बल लगेगा और एक श्यान बल लगेगा। श्यान बल जाहिर है जिधर गति होगा उसके विपरीत रहता है और वेग पर निर्भर रहता है, और ये दोनों कांस्टेंट बल होगा, मतलब जो वस्तु का भार है वह वेग के साथ कोई मतलब नहीं है उसको, और उत्प्लावन बल भी क्या होगा उसको वेग से कोई मतलब नहीं है, दोनों कांस्टेंट बल होता है। लेकिन जैसे जैसे वेग बढ़ता है वेग के आधार पर क्या होता है जो जो तुम्हारा श्यान बल है वह क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो इसका मतलब कि वेग जब बढ़ते जाए तो एक ऐसा समय आएगा जबकि दोनों जो है तुमको अगर इस बल के अंतर्गत इन बल के बलों के अंतर्गत बलों के अंतर्गत तरल में वस्तु की गति, वस्तु की गति गति नियत हो जाती है, नियत हो जाती है, यह वेग सीमांत वेग कहलाता है, सीमांत वेग कहलाता है, इससे अधिक नहीं होगा। अगर उसके इससे ज्यादा वेग नहीं हो सकता, इससे ज्यादा वेग रहेगा तो उसका विरोध करके उसको फिर वेग को घटा देगा और वहां आ जाएगा, कम है तो धीरे धीरे बढ़ते हुए इसका इतना वेग फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब यही वेग से अगर उसे बहुत देर तक तरल में गिरने का मौका, जैसे वर्षा का होता है उसे बहुत देर तक हवा में गिरने का मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं। इसमें यहाँ पर जैसे एक बूंद है, एक वस्तु है या बूंद है जो भी कह सकते हैं इसको, यहाँ जैसे अब इसको एक फॉर्मूला के रूप में देखते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया वस्तु का भार हुआ नीचे की ओर,
वस्तु का भार यहाँ नीचे की तरफ बराबर एम जी करें, इसको वस्तु का भार बराबर एम जी हो गया। ऊपर की ओर क्या लगेगा, यहाँ तरल है, इसमें तरल का उत्प्लावन बल लगेगा, उत्प्लावन बल जैसा ही बताए थे जो उत्प्लावन बल लगेगा। उत्प्लावन बल का मान होता है भी रो जी, रो हो गया तरल का घनत्व, भी रो जी भी हो गया तरल का आयतन, ये वस्तु का आयतन के बराबर होगा, और रो हो गया तुमको तरल का आयतन, तरल जिस तरल में डूब रहा, तरल का आयतन, तरल का घनत्व, और जिस तरल में मतलब जैसे हवा में गिर रहा है चाहे पानी में जा रहा है, पानी का घनत्व ऊपर होगा, वस्तु जो कि है वही है, तो नीचे की ओर इसका घनत्व कम, इसका भार रहेगा। इसके अलावा अगर वस्तु नीचे गिर रहा है, अगर वो नीचे गिर रहा है, नीचे भी वेग से जा रहा है, वेग हो गया तुमको वेग बराबर भी हो गया, अगर तो इस पर एक बल कार्य करेगा जो कि अगर नीचे है वस्तु गिर रहा है तो ऊपर बल कार्य करेगा, तो एक बल कार्य करेगा ऊपर की ओर जिसको हम लोग कहेंगे स्टॉक फोर्स, में जो कि श्यान बल होगा, श्यान बल एफ हो गया, जिसका मान होता है 6/8 हो गया। तो सीमांत वेग ग्रहण करने पर सीमांत वेग प्राप्त करने पर श्यान बल प्लस उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार। तो जैसे कि अगर तुमको नीचे जा रहा है तो अगर ऊपर जाएगा तो ये जस्ट उलट जाएगा, फिर तुमको ये नीचे वस्तु का भार भी जाएगा, तो जैसे तुम बल के आधार लिख सकते हो। अब तुमको है श्यान बल का मान जो है तुमको ये होता है तुमको 6/8 जहां तक श्यान वेग, अगर श्यान वेग भी हुआ एटा भी आर, जहां पर एटा श्यानता का मान होगा ये मान सकते हो, और प्लस हो गया तुमको उत्प्लावन बल होगा 4/3 कमन गोला है 4/3 गोला का आयतन, और गुना घनत्व हो गया इसका रो गुना जी, और एम जी द्रव्यमान है, एम जी है तो एम को भी इसका जितना गोला का आयतन कर लेते हैं 4/3 और इसका घनत्व रो दे दो, इसको सीमा दे दो इंटू, ये तो क्या हो गया द्रव आयतन गुना घनत्व हो गया एम, एम हो गया गुना जी, एम जी हो गया वस्तु का भाव, और जहां पर हो गया सिग्मा बराबर वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व हो गया। अब जहां तक इसको काट करके हम लोग लाइन है तो इससे हमको भी का वैल्यू निकल जाएगा, या 6/8 बराबर हो गया 4/3 कॉमन हो गया, और सिग्मा माइनस रो, रो हो गया तरल का, अगर ये ज्यादा है तो ऑटोमेटिक इधर घट रखिए उसमें घटा दें, तो इसका जो सीमांत वेग जो आ जाएगा तुमको भी बराबर यहां पर 4/3 है तो पाई पाई तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9 एटा तुमको नीचे आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो, ये किसका मान होगा तुमको, ये तुमको सीमांत वेग का मान हो गया, इसलिए इतना से अधिक वेग नहीं प्राप्त करेगा, जैसे वर्षा का बूंद भी गिरती है, वर्षा का बूंद भी इसी सीमांत वेग से गिरती है, वर्षा का बूंद भी तरल में जैसे पानी, जब इसके लिए जरूरी है कि तरल में तुमको वस्तु को एक समान एक वेग से मतलब एक नियत समय तक गिरते रहना चाहिए, अगर गिर रहा है बहुत देर तक उसको ऊंचाई प्राप्त कर लेगा तो वो धीरे धीरे एक नियत वेग प्राप्त करेगा जिसको हम लोग कहेंगे सीमांत, तो वर्षा के बूंद जैसे कि तुमको तरल से नहीं गिरती है बल्कि वर्षा के बूंद एक सीमांत वेग के कारण क्या रहती है, इसमें जैसे इसको एक्सप्लेन करना होगा, वर्षा की बूंद सीमांत वेग से गिरती है, वर्षा की बूंद हवा में एक समान वेग से गिरती है, एक समान वेग से जमीन पर पहुंचती है जिसको हम लोग सीमांत वेग कहेंगे, जैसे ये तुमको सीमांत वेग कहे प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वर्षा का बूंद जैसे क्या है तुमको नीचे की ओर अपना बहाव लगाएगा, वो जाहिर है कि हवा के घनत्व से ज्यादा है पानी का घनत्व, तो नीचे आता जाएगा तो उसका जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसका वेग बढ़ते जाएगा शुरू में, और लेकिन वेग जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो तुमको जो श्यान बल है स्टॉक बल 6/8 जिसका मान होता है वह भी ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब दोनों बराबर हो जाएगा, उत्प्लावन बल प्लस स्टॉक बल का मान किसके बराबर हो जाएगा, जब भार के बराबर हो जाएगा उसके, तो वह अब उसके बाद उसका वेग का बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारा सूत्र हो गया। अब इस पर आधारित एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम लोग हल कर सकते हैं। एक तांबा का दिया हुआ है तुमको वस्तु है, तांबा का वस्तु है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है तुमको 2 मिलीमीटर, और उसको गिरा दिया गया है तुमको, एक तरल में गिराया गया है
तो तरल का घनत्व या तरल में गिराया गया है तुमको, तेल में गिराया गया, इनफैक्ट तेल जो भी तेल हो जिसके जिसका श्यानता गुणांक का तुमको निर्धारण करना है और उसका सीमांत वेग दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो जाहिर है इसी सूत्र पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ये 10वां नंबर उदाहरण होगा, तरल के यांत्रिक गुण जो तुम्हारा चैप्टर है उसका 10वां नंबर एक्साइटिंग उदाहरण देख सकते हैं लोग, उसमें दिया हुआ है तुमको, उसमें सूत्र पे बैठाना है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, सारा डाटा दिया हुआ ही है। एनसीईआरटी उदाहरण 10, एनसीईआरटी उदाहरण 10, 10 नंबर है ना, 9 तो बना दिए ना, 8 और 8 दिखा गया था, अच्छा ठीक है, तो ये 9 नंबर था, वो 8 होगा उसमें नंबर चेंज कर लेगा, उसमें 9 लिख दिए। तो ये जो तुमको दिया हुआ है यहाँ पर एक तुमको तांबा का एक तांबा का वस्तु है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, तो ये अगर गिर रहा है नीचे की तरफ तो इसमें क्या लगेगा तुमको, एक जो कि तुमको वस्तु का ये इसका घनत्व रहेगा तांबा का, एक तांबा का है, ये तांबा का है तुमको, तांबा का है तो तांबा का घनत्व ज्यादा होगा और तेल है ऊपर, ये तुमको तेल के कारण क्या लगेगा यहाँ पर स्टॉक बल लगेगा। तो इन सब कारण जो अभी बताए थे सबका वही चीज है, तो फॉर्मूला जो तुमको दिखाए थे उसी से बना लेते हैं। तो भी इसक्वल टू आया था 2/9 आर स्क्वायर जी और सिग्मा माइनस रो बाय एटा, तो एटा तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसमें निकालना है एटा, तो भी आ जाएगा नीचे, तो एटा बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, एटा के मतलब भी इसको नीचे कर दी, 2r² g सिग्मा माइनस रो बाय 9 और ये भी आ गया नीचे, इसमें सबका मान दिया हुआ है। जैसे तुमको देखो 2 और r का मान दिया, 2 मिलीमीटर से त्रिज्या है, 2×10⁻³ का स्क्वायर हो गया, इसका मीटर बदलेगी, मिलीमीटर को मीटर बदले, और जी का मान तो 9.8 रखेंगे, तांबा का घनत्व दिया हुआ है 8.9×10⁻³, 8.9×10³ मतलब माइनस, तेल का घनत्व 5×10³, तेल का घनत्व 5×10³ बटे 9 × सीमांत वेग कितना दिया हुआ है, वेग कितना मीटर प्रति सेकंड, वेग दिया हुआ है सीमांत वेग कितना प्राप्त कर लेता है 6.5 × 10⁻²। बस हो गया इसका, बाकी तो मान तो रख देना है, तो एटा का मान कितना दिया हुआ है 9.9 × 10⁻²⁻¹ पास सेकंड केजी, तो वही ठीक है, जो भी देखो पाई भी नहीं सकते, सही मात्रक में पाई, यही आंसर हो गया। तो इसमें तुमको जो है दोनों फॉर्मूला पढ़ी हो आधारित प्रश्न था, और एक्सरसाइज वगैरह में भी जो क्वेश्चन हैं जो थ्योरी हैं उसको तुम बना सकते हो, जो एनसीईआरटी के भी हो या किसी और बुक से भी बना सकते हो। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन, और तुमको इसमें समाप्त करें, इसी के साथ लेक्चर को